मुरादाबाद डीएम का बयान आया है, रुचि वीरा एसपी प्रत्याशी घोषित, एसटी हसन का टिकट कट गया है। रुचि वीरा ने आज ही पर्चा भरा था, रुचि वीरा एसपी प्रत्याशी घोषित की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद डीएम की तरफ से खुद इसको लेकर बयान जारी किया गया है और रुचि वीरा को ही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। दूसरी तरफ एसटी हसन का जो टिकट है वो काट दिया गया है। दूसरा नामांकन हुआ है उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी है वो रुचि वीरा जी है। सर, इसमें जैसे कल समाजवादी पार्टी से एसटी हसन साहब ने भी नॉमिनेशन कराया था, तो क्या प्रोसेस होती है सर, इसमें क्या टेक्निकल? जो फॉर्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फॉर्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया, तो वही है। सर, इसमें क्या ऐसा भी कोई नियम है कि अब फिर एसटी हसन को यदि कोई वो अधिकृत लेटर समाजवादी पार्टी दे तो अभी उसी कार्य 3 बजे से पहले था आज, अभी नहीं तो कैंसिल माना जाएगा? नहीं, तो जो अभी तक अधिकृत है वो वही अधिकृत होंगे। रुचि भी दी है रुचि भी रजिस्ट्रेशन की नाम जो है रद्द हो जाएगा। हाँ, उनका उन्होंने अपने ए बी फार्म जो जमा किया है रुचि बेरा ने, उसमें उनको उनके स्थान पर रुचि भी रजी को नॉमिनेट किया है। मुरादाबाद के डीएम को अभी आप सुन रहे हैं। विवेक, क्या हम ये माने क्योंकि 3 बजे से पहले पहले अगर कोई लेटर समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया जाता इस प्रत्याशी को लेकर, मुरादाबाद सीट को लेकर, तो हम कह सकते थे कि हो सकता था कि एसटी हसनी यहां से प्रत्याशी बरकरार रहते, लेकिन 3 बजे तक तो आई थिंक इस तरह का कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट अखिलेश यादव की तरफ से भी सीट को लेकर नहीं दिया गया है। तो क्या अब यही माने कि यहां से जो आधिकारिक प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की वो रुचि वीरा ही रहने वाली है? बिल्कुल, आकांक्षा तय हो गया है डीएम ने, अगर वहां जो अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी भी होते हैं जिले के, उन्होंने कह दिया है कि रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी है, तो इसमें कोई शक और शुभा की बात नहीं है। अब एसटी हसन को सोचना होगा कि उनका भविष्य क्या होगा। मुरादाबाद से वो वर्तमान सांसद हैं, हालांकि अभी एक मौका और मिल सकता है, नामांकन वापसी की अभी तारीख है, नामांकन वापसी के समय तय हो सकता है कि अगर रुचि वीरा नामांकन अपना वापस ले लेती हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अधिकृत रूप से एसटी हसन हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं दिख रही हैं क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कोशिश की थी कि रुचि वीरा को समझाया जाए, आज जब पार्टी कार्यालय में वो बैठक कर रहे थे तब रुचि वीरा से फोन पर बात भी की थी, उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रुचि वीरा अपने समर्थकों के साथ वहाँ पहुँची थी और वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुरादाबाद में बहुत उलझने साबित होने वाली हैं। आगे भविष्य जो है चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट दोनों आपस में लड़ेंगे अगर, और अगर एसटी हसन निर्दलीय भी आ जाते हैं मैदान में तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का ही वोट कटेगा, वोट बटेगा तो विपक्षियों को यानी भारतीय जनता पार्टी को इसकी बढ़त मिलेगी, इसका लाभ मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए बस आखिरी एक मौका है पर्चा वापसी का, नामांकन वापसी का। जब नामांकन वापसी की तिथि आएगी तो रुचि वीरा अगर अपना नामांकन वापस ले सकती हैं तो कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये सीट 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, ये ध्यान में रखना होगा। ये पहले चरण का चुनाव 2019 में भी हुआ था और उसमें रालोद और बसपा के गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, जिसमें से मुरादाबाद सीट भी एक एसटी हसन जीते थे। तो अपनी जीती हुई सीट समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि विपक्षियों के या सत्ता पक्ष के खाते में चली जाए, कोशिश करेंगे और लगातार कोशिशें जारी भी हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मुरादाबाद पहुंच चुके हैं, नरेश उत्तम पटेल, कई बड़े नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। मनाने की कोशिश की जा रही है, रुचि वीरा को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए तैयारी करें, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। तो अब चूंकि समय भी निकल गया है, 3 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब आज अंतिम दिन था नामांकन का, अब कोई इसमें संभावना नहीं बची है, लेकिन एक संभावना नामांकन वापसी की है। अगर वो अपना नामांकन वापस ले लेती हैं, पर्चा वापस ले लेती हैं, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए कुछ उम्मीद वहाँ पर बाकी हो। लेकिन अगर वो नामांकन वापस नहीं लेती हैं, जिद पर अड़ी रहती हैं, तो समाजवादी पार्टी से तो चूंकि बल समाजवादी पार्टी का जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो आगे रैलियां होनी है, जो सभाएं होनी है, जो स्टार प्रचारक आने हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी देखना होगा कि क्या वो रुचि वीरा के समर्थन में वहां पर प्रचार करेंगे या एसटी हसन के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो मुरादाबाद का चुनाव बड़े ही रोचक दौर से गुजर रहा है और इसमें तमाम अभी आगे। ठीक है विवेक, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।